बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल, मैं हूं कारकिड। आप देख रहे हैं कार रिव्यू और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये मॉन्स्टर ट्रक जो कि है डॉज रैम TRX 1500। ये दुनिया का सबसे तेज तरीन फास्टेस्ट जिसको कहते हैं आप वो ट्रक है, डॉज ने बनाया है ये। और 6.2 लीटर सुपर चार्ज इंजन है इसमें, 8 सिलेंडर। इसकी 11.8 इंच ग्राउंड क्लियरेंस है। इसकी लुक से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना ख़तरनाक ट्रक है। तो मैंने ये डॉज TRX रैम जो है बल्क मोटर से बोरो किया है। आप देख सकते हैं उनकी प्लेट, अवीर में इनका बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत बड़े कार कलेक्टर्स हैं, नई से नई गाड़ी, एग्जॉटिक कार्स, हर किस्म की गाड़ियाँ इनके पास हैं। आप इनका शोरूम विजिट करें, आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए मेरा नाम ले सकते हैं, आपको रीजनेबल डिस्काउंट मिलेगा। द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ दिस डॉज रैम TRX, इट स्टार्ट्स एट द बेस मॉडल ओनली, स्टार्ट्स एट $69,995। द TRX वर्जन यू कैन गेट इट इन $90,315। इट कैन जम्प अप as you add more options in it. In UAE you can get it in 380,000 dirhams, the base model. The TRX starts at 395,000 dirhams and it can jump up to 425,000 dirhams. यहाँ पे बहुत बड़ा आपको हुड नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एयर वेंट है इस हुड के अंदर और कुछ लाइट्स हैं जैसे वार्निंग लाइट्स, मैंने आपको बताया। TRX का लोगो यहाँ पे है, 6.2 लीटर्स है। हुड खोलते हैं तो आपको अंदर कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि ये इंजन कवर्ड है। यहाँ पे आप इस कवर को निकाल भी सकते हैं, इस पे देखें आप TRX लिखा है। जैसे ही आप इस कवर को निकालते हैं फिर भी आपको इंजन नज़र नहीं आता क्योंकि मज़ीद कुछ कवर्स हैं, लेकिन आपको ये पिक्चर नज़र आएगी यहाँ पे TRX की, क्योंकि इसका नाम TRX के ऊपर रखा गया है जो डायनासोर था बहुत बड़ा, तो ये TRX नज़र आएगा। और ये कुछ खा रहा है, पता नहीं कौन सी गाड़ी खा रहा है, शायद वो फोर्ड रैप्टर होगी क्योंकि कंपेटिटर है उसकी। यहाँ पर है 6.2 लीटर्स सुपर चार्ज इंजन जो प्रोड्यूस करता है 702 हॉर्स पावर, बहुत ज़्यादा है एक पिकअप ट्रक में। 881 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 0 से 60 माइल्स ये गाड़ी जाती है 3.7 सेकंड्स में, 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है 4.5 सेकंड्स में, और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसमें। तो ये है डॉज रैम TRX का फ्रंट लुक, न्यू LED लाइट्स, कितनी चौड़ी है आप ये देख सकते हैं। साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके फेंडर्स जो हैं उसमें यहाँ से बहुत बड़े एयर वेंट्स बने हैं, यहाँ से हवा जाती है, पीछे से निकलती है बाहर, उससे बेटर स्टेबिलिटी भी होती है और इसमें हवा भी जाती है। यहाँ पे हर एक चीज़ ओपन है, यहाँ पे ये जो फ्रंट ग्रिल है इसकी ये ओपन है, इसके जो ये रैम लिखा है इसके अंदर भी ये फील्ड नहीं है, ये ओपन है क्योंकि ज़्यादा हवा चाहिए, बहुत बड़ा इंजन है, 6.2 लीटर्स V8 सुपर चार्ज है यहाँ पर, तो हर चीज़ जो है वो खुली है हवा जाने के लिए ताकि इंजन को कूल रख सकें। फ्रंट आपके पास कैमरा भी है यहाँ पे, ये आप कैमरा देख सकते हैं। बड़ी गाड़ी है, बड़ा ट्रक है, तो अक्सर पार्किंग में मसला होता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंजन के बाद, यहाँ पे ये देखें क्योंकि ये एयर वेंट टोटली फंक्शनल है, तो यहाँ से ये टनल है इसका, यहाँ से हवा जाती है और इन होल से हवा वापस नीचे आती है इंजन की तरफ, जो कि इंजन को और सुपर चार्जर को ठंडा रखने में मदद करती है। तो ये है डॉज रैम का साइड लुक, बहुत बड़ा फेंडर बाहर निकला हुआ है बॉडी से। यहाँ पे आप देखें एयर वेंट है, यहाँ पे ये फंक्शनल है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, ये यहाँ से एयर जाती है, यहाँ से बाहर आती है। यहाँ पे 18 इंच के व्हील्स हैं इसमें और ये हैं बीड लॉक व्हील्स। बीड लॉक व्हील्स किसे कहते हैं, आप ये हिस्सा देख रहे होंगे व्हील का, ये टोटली एक कैप कह सकते हैं आपको, ये थ्रेड सारे खोलें ये बाहर निकल जाएगा। तो ये व्हील जो है इसका अंदर वाला जो पोर्शन है, किनारा जो होता है, वो इन थ्रेड्स की मदद से, वो बीड कहते हैं उसको, वो लॉक हो जाता है व्हील के साथ, वो थ्रेड्स उसके आर पार हो जाते हैं और वो व्हील के साथ जैसे कि आप कह सकते हैं जम जाता है। ये जो बीड लॉक व्हील्स होते हैं, ये टायर अगर आपकी हवा नहीं भी है तो आपके टायर को व्हील से अलग नहीं होने देगा। यहाँ पे रैम का आपके पास बैच है, साइड मिरर्स हैं, डोर हैंडल आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े, फुट स्टेप है साइड में क्योंकि ये बहुत ऊंची गाड़ी है तो आपको लाजमी ये चाहिए होगा। इसमें पीछे आ जाएं तो यहाँ पे ये जो फेंडर है ये बहुत बाहर निकला है और TRX का लोगो है इसमें। ये है डॉज का बैक लुक, यहाँ पे टेल गेट आप देख सकते हैं, कैमरा है साइड में, आप देखें फेंडर, तो फेंडर पे यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये वेंट जो कि रियल नहीं है, ये फेंडर बाहर की तरफ बहुत चौड़ा है तो आगे वाला डिज़ाइन उन्होंने सेम रखने के लिए ये कवर लगा दिया है, ये फंक्शनल नहीं है। यहाँ पे ये है टेल गेट, यहाँ पे आप इसको बटन से खोल सकते हैं, रिमोट से खोल सकते हैं, दो बार दबा के यहाँ पे ऐसे खुल जाएगा। अंदर एक स्पेयर टायर है, बहुत ही ऊँची गाड़ी है ये। पीछे आपको रैम का लोगो ऑफकोर्स होना चाहिए, TRX आपके पास एक ही लोगो है। अगर आप स्टॉक से लेंगे गाड़ी और आपने और लोगो ऐड नहीं करवाने तो यही लोगो आपको गाड़ी पूरी में मिलेगा।
फेंडर्स पे आपके पास ऑप्शनल है वो लोगो, ऑफकोर्स 4x4 है ये। यहाँ पे कुछ कनेक्शंस हैं जो ट्रेलर्स के लिए आपको दिए गए हैं, और फेवरेट चीज़ एग्जॉस्ट बहुत बड़े पाइप आपको दिख रहे हैं। ये हेलकेट की आवाज़ यहाँ से बाहर आती है। रिमोट है ये TRX का, यहाँ पे ये देखें, और इसी से आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। और मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, दो बार आप इसको प्रेस करें बटन को, ऐसे ये साउंड करेगी। थोड़ी सी रेस देता हूँ, पे साइड पे आप देखें तो आपको एक अच्छी चीज नजर आएगी वो कि गाड़ी की हाइट बहुत ज्यादा है, तो आपके पास ये एक फुट स्टेप इन्होंने दिया है यहाँ पे, ये आप खोल सकते हैं, इस पे पांव रख के आप इजीली ऊपर चढ़ सकते हैं, ऐसे आप इसको बंद भी कर सकते हैं वापस। तो ये है डॉज रैम की बैक लुक। कुछ ऑफ रोडिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा बिलिस्टिन ब्लैक हॉक E2 सस्पेंशन कहते हैं इसको, इसका नाम है ये। ये डॉज रैम में यूज किया गया है। ये करता क्या है, इसमें सेंसर्स भरे हैं चारों सस्पेंशंस जो हैं वो करते क्या हैं कि गाड़ी की ईच एंड एवरी मोमेंट ये डिटेक्ट करते हैं, स्टेयरिंग पोजीशन, उसके एंगल्स, गाड़ी टिल्ट है सीधी है, आपके रेस के थ्रॉटल की पोजीशन, ब्रेक पोजीशन, हर चीज़ ये नोट करते हैं। इवन के फ्री फॉल अगर गाड़ी आपकी जंप कर रही है वो भी ये डिटेक्ट करेंगे, और डिटेक्ट करके उसके हिसाब से गाड़ी का वो मोड एक्टिव करेंगे जिसमें वो उसको बेहतर तरीके से चला सकती है। तो ये कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि ये जंपिंग्स हर सस्पेंशन आपके हर चीज़ डिटेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको और गाड़ी को उस पोजीशन में हैंडल करते हैं जिस पोजीशन में आप हैं, इसीलिए इसको ऑफ रोड किंग कहा जाता है आजकल। तो TRX क्यों कहते हैं इसको, इसका नाम जो है वो एक डायनासोर के नाम पे रखा गया है जिसको कहते थे T-Rex, बहुत ही बड़ा डायनासोर था जैसे कि ये बड़ी है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है TRX। तो चलते हैं इंटीरियर की तरफ। ये है इसका इंटीरियर, देखें आप, लेदर अलकंतारा और बहुत ही अच्छा मटेरियल है। यहाँ पे अंदर आते हैं तो ये सीट्स पे आप देखें कुछ रेड कलर के पैचेस भी लगाए गए हैं। ख़तरनाक TRX है, इसलिए रेड आपको पता है कलर ख़तरनाक होता है। ये TRX के लोगोज यहाँ पे सीट पे, पीछे की सीट्स यहाँ पे, ये लुक है इसकी। और एक बड़ी यूनिक चीज़ ये है स्टेरिंग व्हील, उस पर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें शिफ्टिंग पैडल्स इसके, ये अंदर से खाली हैं, नॉर्मली ये पूरे आपको नज़र आते हैं लेकिन ये अंदर से खाली हैं क्योंकि इसके नीचे बटन्स हैं कुछ जो आपको वॉल्यूम कंट्रोल या इस तरह की सेटिंग के बटन हैं जो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यह है स्टेयरिंग व्हील, ये है गेज क्लस्टर, इतना कोई एडवांस नहीं है लेकिन इसके अंदर एक स्क्रीन है, उसमें कुछ ऑप्शन है मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखें लेफ़्ट साइड पे ये मेन्यू है, इन बटन्स के मदद से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। और राइट साइड पे आप देखें, आपने कभी पेट्रोल डाला हो पेट्रोल स्टेशन से तो आपको इस तरह गेज ऊपर नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा, तो ये उसी डिज़ाइन का है, आपको रेंज दिखाता है आपकी गाड़ी की कि कितनी रेंज रह गई है, तो ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है इसका। और राइट में आपको स्पीडोमीटर है, यहाँ पे इंजन का बटन है, उसके साथ ही नीचे ये TRX लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये है मोड्स, ये है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जैसे ही आप किसी भी मोड में होंगे, जैसे कि अभी फ़र्ज़ करें मैं होम पे हूँ तो ये मैं TRX का बटन दबाऊंगा, डायरेक्टली मुझे गाड़ी परफॉर्मेंस पेजेस पे, ये मोड्स पेजेस पे लेके जाएगी। ये देखें ये डैशबोर्ड है, ये आप अपनी टॉर्क, ये वो सारा कुछ, बेस्ट किस लैप में बेस्ट किया आपने, ये सारी आपको डिटेल दिखाएगा। फिर ये गेजेस आ जाएंगी कुछ, आपको टेम्परेचर वगैरह, जी फोर्स, डाइनो इंजन, और ये व्हीकल डायनामिक्स आपको दिखाएगी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको दिखाती है ये। फिर उसके बाद रेस ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, आप इस तरह अपना RPM लॉन्च कंट्रोल में देख सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं वो कैसे, ये देखें शिफ्ट लाइट पे आप क्लिक करें, यहाँ पे हर गियर के लिए आप अपना RPM सेलेक्ट कर सकते हैं खुद के, इस गियर में इतना RPM होना चाहिए, ये लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टू एट्थ, तो ये आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है रेस कूल डाउन, कुछ ग्राफ वगैरह हैं वो आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद जब होम पे क्लिक करें, नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे सीट्स वगैरह के, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड सीट्स हैं, और मज़े की बात ये है कि ये इस ट्रक में पीछे की सीट भी हीटेड और वेंटिलेटेड हैं, तो बड़ी ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं आपके पास बैकअप कैमरा भी आ जाता है, पीछे का कैमरा है, ये है सराउंडेड कैमरा, आपको डिफरेंट व्यूज़ देगा ये, ऐसे करके जो भी आप व्यू देखना चाहें वो आपको दे सकता है। फॉरवर्ड कैमरा, आगे भी एक कैमरा जो मैंने आपको दिखाया था वो है, और ये हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये देखें मिरर डिमर, ये आप
एक इससे चीज़ रिलेट करती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो मिरर डिमर है, ये सेंटर में जब आप जाते हैं इस मिरर पे, तो इसके नीचे एक बटन है जो मैंने आपको डिफेंडर में दिखाया था, इसको आप पुल करें तो ये कैमरा में टर्न हो जाएगा। ये एक बड़ी ही यूनिक चीज़ है, काफ़ी सारी गाड़ियों में मतलब नहीं पाई जाती है। यहाँ पे नीचे कुछ ट्रेलर के बटन हैं, जब आप टो कर रहे हों तो ये स्टेयरिंग है उसका, और कुछ ब्रेक्स वगैरह की एडजस्टमेंट है। नीचे कुछ पोर्ट्स हैं, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग है, यहाँ पर है कप होल्डर्स, ये गियर लीवर है। पहले गियर लीवर सामने होता था पुराने मॉडल्स में, ऐसे रोटेट करके गियर चेंज करते थे, लेकिन इसमें उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे ये है जी आर्म रेस्ट, और इसके ऊपर TRX का लोगो लिखा लगाया है उन्होंने, और सारी की सारी डिटेल भी आपको लिख के बताई है कि कितना इंजन, कितने हॉर्स पावर है, क्या है, सब कुछ इस पर लिखा है। विन नंबर्स भी लिखा है इस पर। यहाँ पर पीछे अगर आपको अच्छा और VIP प्रोटोकॉल चाहिए तो यहाँ पर आप ये सीट नीचे पुल डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर भी अलकंतारा, ये देखें छोटा सा एक स्टोरेज यहाँ पे कंपार्टमेंट भी है, कप होल्डर्स हैं कुछ, और आप अच्छी फीलिंग। तो यहाँ पे ये है पीछे का इसका लुक, ये है पीछे की सीट्स, अच्छी सीट्स हैं। यहाँ पे इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं कुछ स्टोरेज स्पेस के लिए, अगर आपको ये जगह काफ़ी नहीं लग रही है तो आप इस सीट को ऊपर करें। इसके नीचे भी आप कुछ अपना सामान रख सकते हैं, वो वाली सीट भी आप फोल्ड कर सकते हैं, और इसको वापस आप अनफोल्ड कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी ही यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये बटन्स है कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप छोटे हैं या आपका कद थोड़ा बड़ा है तो आपको पेडल्स अपने जो है एडजस्ट करने हैं, उसके लिए भी यहाँ पे डोज ने आपको मदद की है। वो इस बटन के थ्रू आप प्रेस करेंगे तो देखें पेडल्स ऊपर आ रहे हैं, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनकी हाइट अपनी हाइट के हिसाब से। वापस प्रेस करें तो पेडल्स नीचे चले जाएंगे। तो ये काफ़ी छोटी टाइनी डिटेल है और बड़ी ही इम्प्रेसिव डिटेल है ये। तो मेरे ख्याल से इसको चलाने का टाइम आ चुका है, चलते हैं इस बीस की ड्राइव पे। तो आ चुका हूँ डोज रैम TRX के अंदर में, बैठते साथ ही आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, जैसे कि हर चीज़ पावरफुल लगती है आपको। सबसे पहले इसमें हेलकेट का इंजन है, और पावर आपको आती भी थोड़ी सी अभी मैंने चलाई है तो आपको फील होती है पावर की, यार बहुत ज़्यादा पावर है इसमें। स्टेयरिंग व्हील की पोजीशन, सीट की पोजीशन, स्टेयरिंग व्हील पकड़ते साथ आपको एक बड़ी ही अच्छी फीलिंग आती है, मैं बयान नहीं कर सकता आपको। तो अभी ट्राई करते हैं इसको और देखते हैं कि कितनी पावरफुल है ये। 1 2 3 ओह, इतनी बड़ी पिकअप है ये, लेकिन मैं आपको फीलिंग बयान नहीं कर सकता कि जब मैंने अभी रेस दिया आपने वो झटका फील किया होगा। एक हेलकेट का इंजन है, बहुत पावरफुल, 702 हॉर्स पावर, बहुत क्विक रिस्पांस है। सुपर चार्ज जो होता है उसका बहुत क्विक रिस्पांस होता है, और इसमें सुपर चार्ज है क्योंकि डायरेक्टली वो क्रैंक शाफ्ट से इंजन के अंदर ही जो है वो अटैच होता है सुपर चार्जर। तो टर्बो चार्जर जो होता है वो थोड़ा सा डिले करता है रिस्पांस को, सुपर चार्जर बहुत जल्दी उसको रिस्पांस करता है। ये आवाज़, ये फीलिंग, आपने अगर डोज चैलेंजर या चार्जर चलाई होगी तो आपको ये पता होगा इस आवाज़ का। और मैंने बहुत से ट्रक चलाए हैं, रिव्यू भी किए हैं कुछ, लेकिन अब ये टॉप ऑफ द लिस्ट आ गई है, बहुत ही कमाल की प्रोडक्शन रैम की, ज़बरदस्त। और जितनी ये बड़ी है इसको देख के इतना लगता नहीं है कि ये इतनी पावरफुल होगी, लेकिन कमाल कमाल। इसके जो कंपेटिटर हैं जैसे फोर्ड रैप्टर होगी, बहुत अच्छी है वो भी, लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा पावरफुल है और कुछ ज़्यादा बड़ी है। जैसे कि T-Rex, मैंने आपको बताया एक डायनासोर था, तो उसी जैसी है ये भी। और तो ये थी डोज की रैम TRX 1500। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, गलती से भी मैंने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए माजरत। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे इस चैनल का भी मज़ीद बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।